किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यहां सिंजेंटा कंपनी का एक गेहूं लगा हुआ है जिसका नाम है SW25 और यह रिसर्च वैरायटी है। किसान भाई इस गेहूं से काफ़ी संतुष्ट भी हैं और इस गेहूं के बारे में हम पूरी जानकारी किसान भाई से निकालेंगे कि यह कहाँ से खरीदे थे और कब इन्होंने इसकी बुआई की थी, कौन से खाद पानी कब इन्होंने दिया था, तो पूरी जानकारी इनसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले किसान भाई का परिचय करवाते हैं और इस गेहूं के बारे में इनसे पूरी डिटेल में जानते हैं। तो सर जी, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इस गेहूं के बारे में थोड़ा बताइए। मैं गुड्डू मौर्या, ग्राम लोसड़ा के स्थायी निवासी हैं। सर जी, मैं सिंजेंटा का SW25 लगाया हूँ और जैसे हर गेहूँ में जितना खाद डालना चाहिए, बीज डालना चाहिए, उतना ही पड़ा है। इसमें कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है इसके लिए और इसमें मैं 2 सिंचाई किया हूँ अभी तक। बाली सब निकल गई है, बाली बड़ी अच्छी है, संतुष्ट हैं इससे हम। और SW25 लगता है देखने में अभी से मालूम हो रहा है किसी क्वालिटी अच्छी होगी। और हम किसान भाई सलाह देंगे कि SW25 और इसका एक वैरायटी और मैं लगवाया हूँ SW23, दोनों वैरायटियाँ सेम एक तरह हैं। वो थोड़े जल्दी वैरायटी के SW23 और SW25 थोड़ा लेट क्वालिटी में है। तो यह जो है सर जी, कितने दिन की वैरायटी है? 120 से 125 दिन की वैरायटी है। 120 से 125 दिन में जी तैयार हो जाती है। कितना पानी इसमें दिए हैं अभी तक? 2 पानी दिए हैं सर। और धान का खेत ये रहा, धान लगा हुआ और सबसे लेट में भी बोया हूँ, उसके बाद भी देखिए सबके साथ में पकड़ लिया है। तो एक एकड़ में सर जी इसका बीज दर कितना लगता है? अब हम जो है इसको भैया 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मैं इसमें बीज डाला हूँ। मतलब 45 किलो एकड़ बीज। हाँ, 45 से देखा जाए तो 45 किलो प्रति एकड़ बीज इसका लगेगा। तो बुआई के समय आपने इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर आपने डाला था? खाली फर्टिलाइजर में DAP, पोटास और गोबर की खाद इसमें पर्याप्त मात्रा में पड़ी है। अच्छा, गोबर की खाद आप पर्याप्त मात्रा में डालते हैं। और पहली सिंचाई जब आपने इसमें किया था तो उस समय आप कौन कौन से फर्टिलाइजर अपनी गेहूँ की फसल को दिए थे? पहली सिंचाई जब मैंने किया था तो खरपतवार नाशक की मैं दवा इसमें डलवाया, उसके बाद जो है जिंक और सल्फर और यूरिया का जो है एक साथ मिलाकर को जाइम में डाल करके इसको जो इतने पोजीशन पर छोड़ा। और जब दूसरा पानी जब आपने इसमें दिया तो उस समय आपने इसमें कौन से फर्टिलाइजर यूज? कुछ नहीं दिए, खाली 10 किलो यूरिया भर डाले हैं। पोटास वगैरह का स्प्रे आपने नहीं, कुछ सर, नहीं जी, किया? मैं कुछ नहीं डाला हूँ। तो इस गेहूं की फसल से आप पूरी तरह से संतुष्ट? हम बहुत संतुष्ट हैं। तो इसका बीज आप कहाँ से लिए थे? बीज जो है हमारे दीपक भाई घसकरा में दुकान खोले हुए हैं, उनसे संपर्क किया, मैं भी लेकर इनके द्वारा मैं बीज को बेचा और स्वयं लगाया। अच्छा, आपकी बीज की दुकान भी है? जी 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 जी। अच्छा, घसकरा बाजार में आपकी भी बीज की दुकान? हाँ, दुकान है। तो क्या रेट है किसानों को, मालिक किसान कोई खरीदना चाहे मार्केट में जी, तो जी, क्या रेट है बीज मिल जाएगा? 70 रुपये किलो सर जी मैं बेचा हूँ और इसी रेट से मैं जो है किसानों को भी दिया हूँ। तो बाली में दानों की बात करें तो कितने दाने एक बाली में लगभग? अभी तो गने नहीं हूँ, जितने गेहूं लगे हैं सबकी जो है सेम एक ही तरह दिख रहा है देखने में। और जब पक कर तैयार होगा तब गिनती किया जाएगा कितने दाने निकले। तभी मतलब कुछ तो उम्मीद रखते होंगे कि एक बाली में कितने दाने होंगे, 60-65 दाने? 65-70 दाने से कम नहीं, 65-70 दाने जी, होंगे। तो इतनी फसल से मतलब प्रति एकड़ पैदावार की बात करें तो कितनी पैदावार की उम्मीद करते हैं? 28 से 32 क्विंटल एकड़ होना चाहिए। इतना अधिक पैदावार मिल जाएगी? जी जी जी। मतलब देखा जाए तो इससे आप पूरी तरह संतुष्ट? संतुष्ट हैं। तो क्या इसे आप पहली बार लगाए हैं कि इससे पहले भी? पहली बार मैं आया हूँ, गेहूं का बीज तो पिछले बार भी आया था, मैं लगाया नहीं था, लेकिन अब की बार मैं पहली बार इसको लगाया हूँ। बेचा जरूर था लेकिन लगाए नहीं थे। तो कल्लों के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे किसान जब गेहूं लगाते हैं जी, जी, तो सोचते हैं कि हमारे पौधे में कम से कम 10 से 15 कल्ले हों, तो कल्ले एक पौधे में कितने हैं इसमें? कल्ले बहुत ज़्यादा नहीं निकले लेकिन जो है विकास इसका बढ़िया हुआ है। तो किसी पौधे में थोड़ा कल्ला गिन के दिखाइए कितना कल्ला आपके पौधे, भी तो देखना जरूरी है जी। अब देखिए कोई पौधा चुनिए। 4-5 कल्ले निकले हुए हैं सर जी, एक पौधे में 4 से 5-6। मतलब एक पौधे में 4 से 5 ही कल्ले हैं?
मतलब देखा जाए तो कल्लों के फुटाव से आप विशेष संतुष्ट नहीं? नहीं 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 नहीं। तो क्या कारण है कल्लों का फुटाव इसमें नहीं हुआ? अब प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, लेकिन गेहूं की लंबाई और विकास जो देखने में लगता है कि बहुत गड़बड़ नहीं है, अच्छा चीज़ है। और इसमें कोई फंगिसाइड या कीटनाशक का भी आपने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं सर, रिजेंट वगैरह का प्रयोग कुछ नहीं डाले हैं, खाली DAP पोटास और यूरिया और जिंक सल्फर ये सब मैं डाला हूँ, बाकी और उसमें अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसके लिए। तो भविष्य में भी इसे लगाएंगे आप? जी लगाएंगे। अच्छा, जब कटेगा देखेंगे पैदावार बढ़िया रहेगा, हमेशा लगाएंगे इसको। अच्छा, हम सलाह देंगे कि जो किसान भाई इसको लगावे। अच्छा, मतलब आप संतुष्ट हैं और अन्य किसान भाई चाहें तो इसे लगा सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।